एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्रोन सेंट्रिक सारी डिटेल्स ए टू जेड, वो सारे क्वेरीज क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में आती हैं ट्रैवल करते वक्त, और कुछ क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं रेगुलर बेसिस पे काफ़ी सारे लोगों के द्वारा कि आप ड्रोन कैसे कैरी करते हो, उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए इंडिया में ड्रोन कैरी करते वक्त, इंडिया से बाहर ड्रोन कैरी करते वक्त, क्या मुझे किसी तरह की कोई इश्यूज़ या परेशानी फेस करने को आई है या नहीं, ये सारी चीज़ों को हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरे वीडियो को चैप्टर्स में ब्रेक करके रखा है डिपेंडिंग अपॉन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अगर आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर चाहिए तो आप चैप्टर्स को यूज़ करके उस पर्टिकुलर पॉइंट तक जंप कर सकते हो और वो क्वेश्चन का आंसर देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई टू कैरी ड्रोन्स व्हाइल ट्रैवलिंग एंड इज़ इट मैंडेटरी। नहीं, मैं बताऊंगा कि ड्रोन कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ भी नहीं है, बट हाँ अगर आप ड्रोन कैरी कर रहे होते हो तो आपके वीडियोस को एसेंशियल बूस्ट मिलता है फॉर श्योर। एक नया पर्सपेक्टिव है जो आपके वीडियो के साथ ऐड होता है, विजुअली बहुत ज़्यादा अपीलिंग लगता है। एंड एट द वेरी सेम टाइम बहुत सारे जगहों पे आपको ये भी नोटिस करने को मिलेगा कि आप लैंड मास का जब फ़ोटो ले रहे हो या वीडियो ले रहे हो तो जैसा आपको दिख रहा है सब कुछ, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर से भी वो उसी तरीके का अपीयरेंस दे रहा हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बाली में एक आइलैंड है नूसा पेनेडा, ठीक है। आप जब नूसा पेनेडा पहुँचोगे ना तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक पॉइंट है जिसका नाम है किलिंकिंग बीच। किलिंकिंग बीच में आप जब सामने से वीडियो ले रहे होते हो वो एक अलग ही तरह का पर्सपेक्टिव देता है, एंड जब आप ऊपर से ड्रोन के थ्रू उस वीडियो को उस पर्टिकुलर लोकेशन को कवर करते हो तो वो एकदम अलग तरह का पर्सपेक्टिव देता है। एक और एग्जांपल जो मैं आपको कोट करके अभी बता सकता हूँ वो है ताना लॉट टेम्पल। ताना लॉट अगर आप जाओगे इवनिंग के टाइम पे यूजुअली बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगता है वो जगह, एंड अगर आपके पास ड्रोन है आपको एक बहुत ही खूबसूरत पर्सपेक्टिव मिलता है, बिकॉज वो जो टेम्पल है वो बेसिकली एक आइलैंड जैसे लैंड मास पे है एंड चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, एंड जब सनसेट हो रहा होता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल अपीयरेंस आता है उसका। ऐसे और भी बहुत सारे जगह हैं, जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर बहुत फेमस शहर में जाओ एंड वहाँ का अगर आप ड्रोन से वीडियो या फुटेज लेते हो तो आपको पूरा का पूरा जो स्काई स्क्रेपर है वो दिखता है, एक अलग तरह का विजुअल अपीयरेंस है जो आपके वीडियो में ऐड होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ड्रोन कैरी करना चाहिए बट कंपलसरी नहीं है। सेकंड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो है कि क्या मुझे किसी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हुआ है ड्रोन को कैरी करते वक्त। आई वुड से कि डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ है बट हाँ उसके वजह से थोड़ा एक्सपेंडिचर जब कभी कभी ज़रूर बढ़ जाता है, बिकॉज मैं प्रेफर करता हूँ बैकपैकिंग ट्रैवलिंग। इंडिया में बैकपैकिंग ट्रैवलिंग ड्रोन के साथ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप ड्रोन कैरी कर रहे हो तो आपको ड्रोन अपना चेक इन लगेज में भेजना पड़ता है। तो अब चेक इन लगेज रखने के वजह से आपको एक एक्स्ट्रा बैग है जो ऐड हो जाता है। इवन आप इंडिया से बाहर भी अगर ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपके पास आप केवल केबिन लगेज वाले टिकट को अवेल किए हो, ये भी बहुत ही एक कॉमन पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। काफ़ी सारी एयरलाइंस जो हैं जो इंडिया में स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से जो ऑपरेट करती हैं वो लो कॉस्ट एक कैरियर्स हैं, एंड जो टिकट्स आप बुक करते हो ना वो सिंस लो कॉस्ट कैरियर की टिकट होती हैं तो उसमें बस एक कैरी ऑन लगेज आपको अलाउड होता है 7 kgs का, कुछ में तो डाइमेंशंस भी मेंशनड होते हैं बैग्स के। तो इंडिया में अगर आप ड्रोन अपने कैरी ऑन लगेज में लेके जा रहे होगे तो आपको सिक्योरिटी में ही वो ले जाने नहीं देंगे, रख लेंगे वहाँ पर। तो ये एक चैलेंज है ज़रूर जो मैं यहाँ पे फेस करता हूँ। बाहर का
कभी मुझे ऐसा फेस करने को नहीं मिला। मैंने चेक इन में भी ड्रोन कैरी किया है एंड कैरी ऑन लगेज में भी अपने साथ लेके गया हूँ केबिन में, बट इंडिया से बाहर मुझे आज तक कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिला है। हाँ, फ्लाई करने से रिलेटेड इश्यूज आई हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर मुझे फ़्लाई करने नहीं दिया है या फिर किसी जगह पर मुझे परमिशन लेनी पड़ी हो, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी हो, वो ज़रूर हुई है, बट कैरी से रिलेटेड कभी कोई इशू नहीं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और मेरे से तो काफ़ी लोग पूछते हैं स्पेशली इंडिया में, वो है कि करंट गाइडलाइंस के हिसाब से आप इंडिया में ड्रोन कैसे कैरी कर सकते हो। तो करंट गाइडलाइंस के हिसाब से इंडिया में ड्रोन कैरी करने का बस एक ही तरीका है, एयरलाइन में। ठीक है, ट्रेन में तो आप अपने साथ ही लेके जाओगे, बट एयरलाइन में कैरी करने का बस एक ही तरीका है, वो है आपको अपने ड्रोन को चेक इन करना पड़ेगा। याद रखिएगा, अपने ड्रोन को आपको चेक इन करना पड़ेगा एंड बैटरीज़ और RC, ये दो चीज़ आपको अपने साथ कैरी ऑन लगेज में ले जानी होगी, केबिन में ले जाना होगा आपको। आप अपने बैकपैक में ले जा सकते हो या फिर आपका अगर डिजिटल इक्विपमेंट्स का अलग गियर बॉक्स है या बैग है तो उसमें आपको डाल के उसको कैरी करके ले जाना पड़ेगा। सिक्योरिटी के टाइम पे आपको उसको निकाल के ट्रे में रखना है, सिक्योरिटी क्लियर होगी, आप उसको वापस बैग में डालेंगे और अपने साथ कैरी ऑन में लेके जाएंगे, ड्रोन आपकी चेक इन में जाएगी। बस यही एक रूल है जो अभी फ़िलहाल फॉलो किया जाता है करंट गाइडलाइंस के हिसाब से। सारी एयरलाइंस भी इसी चीज़ को रिकमेंड करती हैं और इसके अलावा और अभी कोई रूल नहीं है। अगर फ्यूचर में कुछ चेंजेस आते हैं तो फिर बात अलग है, बट अभी फ़िलहाल कोई गाइडलाइंस नहीं है इसके अलावा। एंड क्या हमेशा से यही रूल फॉलो किया जाता था? नहीं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में काफ़ी साल पहले ड्रोन अपने साथ कैरी ऑन लगेज में भी केबिन में भी कैरी किया है एक या दो बार। उस टाइम पे गाइडलाइंस ऐसी स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस नहीं हुआ करती थी, आप अपने साथ ड्रोन कैरी कर सकते थे, बट अब वो चीज़ अलाउड नहीं है। अब काफ़ी स्ट्रिक्ट है, इवन काफ़ी सारे एयरलाइंस की तो वेबसाइट पर मैंशनड है क्लियरली कि आप ड्रोन को कहाँ पर कैरी कर सकते हो। अगर मुझे किसी एयरलाइन की वेबसाइट पर दिखती है कि ये इन्फॉर्मेशन मैंशनड है तो वो डिस्क्रिप्शन वाला पेज जो है उनका, उसका मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द करंट गाइडलाइंस टू कैरी ड्रोन्स आउटसाइड इंडिया। अब इसका दो क्वेश्चन हो सकता है, एक तो आप इंडिया से ड्रोन को कैरी करके अब्रॉड ले जा रहे हो एंड दूसरा है कि आप इंडिया से बाहर ही ट्रैवल कर रहे हो विद इन डिफरेंट कंट्रीज़। देखिए, इंडिया से बाहर आप अगर ड्रोन को लेके जा रहे हो या फिर इंडिया में आप लेके आ रहे हो तो फिर ड्रोन को आपको अपने चेक इन लगेज में रखना होगा, बैटरीज एंड RC आपके साथ केबिन में जाएंगी, आपके साथ आपके बैग में जाएगी। बेसिकली आपको सिक्योरिटी में दिखाना होगा उसको ट्रे में, ठीक है, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड आइटम है। तो बैटरीज से जो कुछ भी चलती है, आपकी RC बैटरी से ही चल रही होगी, तो बैटरी आपको जो ड्रोन की है वो रखनी पड़ेगी ट्रे में सिक्योरिटी के टाइम, और RC को भी रखना होगा। तो ये तो हो गया, इंडिया से आप लेके जा रहे हो और इंडिया में लेके आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या आउटसाइड इंडिया का क्या रूल है। तो देखिए, आउटसाइड इंडिया में डिपेंड करता है, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पर ड्रोन बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ऐसा भी नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे या कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ लोकेशन हैं जहाँ पे अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मोरक्को एक अफ्रीकन कंट्री है। आप अगर चेक करोगे, नॉर्दर्न अफ्रीका में एक कंट्री है, वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है ड्रोन। अगर आपने ड्रोन अपने साथ कैरी किया, वो ड्रोन आपको कस्टम्स में कॉन्फिसकेट कर लेंगे, वो आपकी ड्रोन को कस्टम्स में वहाँ पे क्लियर होने नहीं देंगे, वहीं पे रख लेंगे और फिर ड्रोन आपको मिलेगी भी नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ड्रोन सेंट्रिक रेगुलेशंस काफ़ी वेरी करती हैं, एक यूनिफॉर्म रूल कुछ भी नहीं है। तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी आप किसी कंट्री में ट्रैवल करो एंड अगर आपको लगता है कि कंट्री की रेगुलेशन जो हैं वो वेरी हो सकती हैं, ऐसी चांसेस हैं,
मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कोशिश करें कि वहाँ के रेगुलर जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। मेरे लिए ये बता पाना कि हर कंट्री का क्या गाइडलाइन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इवन आप क्वेरी भी मुझसे करोगे तो मैं भी चेक ही करूँगा, बिकॉज़ मुझे हर कंट्री का गाइडलाइंस नहीं पता है। मैं जब ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मैं फिर उस पर्टिकुलर कंट्री का गाइडलाइंस देखता हूँ कि क्या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है या नहीं। तो यही एक डिटेल है जो मैं आपसे अभी फ़िलहाल इस पॉइंट पर शेयर कर सकता हूँ। बट हाँ, मोस्ट ऑफ़ दी प्लेसेस में जहाँ पर भी मैंने ट्रैवल किया है विद इन कंट्री या एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर, अगर मैं ड्रोन कैरी कर रहा हूँ तो मैंने यूजुअली केबिन में भी अपने साथ ड्रोन कैरी किया है, मुझे कोई इशू नहीं आया है। एंड चेक इन लगेज में भी मैंने डाल के भेजा है ड्रोन, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। उनको जो मेन कंसर्न होता है वो है कि आपकी बैटरी जो है, या फिर बैटरी से चलने वाली कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आइटम है, तो वो आपको अपने केबिन में ले जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू आई नीड टू रजिस्टर माय ड्रोन एंड माय सेल्फ समवेयर टू फ्लाई ड्रोन। इसका आंसर है दो पार्ट में। पहला पार्ट है, अगर आपका ड्रोन का वेट 250 ग्राम से कम है तो फिर आपको रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कंटिन्यू कर सकते हो उसको फ्लाई करना। एक लिमिटेड हाइट है, एलिवेशन है, जो आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी इंडिया में अगर आप फ्लाई कर रहे हो तो। इंडिया से बाहर भी कुछ कंट्रीज़ में एक पर्टिकुलर हाइट होती है जो आपको मेंटेन करके रखना होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपका ड्रोन जो है वो 250 ग्राम से कम का है, यानी नैनो कैटेगरी का ड्रोन है, तो आप उसको कैरी कर सकते हो अपने साथ, फ्लाई कर सकते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपका ड्रोन जो है वो 250 ग्राम से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में आपको वो एक पोर्टल है वहाँ पे अपनी ड्रोन को रजिस्टर करनी होगी। एंड जो आप पायलट हो तो आपको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। मैं उस वेबसाइट का, उस पोर्टल का, DGCA की पोर्टल है, आपको वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, ड्रोन का सारा कुछ डिटेल वगैरह सब कुछ मेंशन करना होगा। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हो। सारी डिटेल्स जो हैं वो, जो भी रजिस्टर करनी है वो अपने साथ हैंडी रखें। आपको अपना बिल, ड्रोन का डायमेंशन, उसका वेट, सारा डिटेल जो है वो वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं वेबसाइट का लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा, आप गाइडलाइंस वहाँ से फॉलो भी कर सकते हैं, एंड जो भी डिटेल्स आपको लगेंगी आप वहाँ पर डिटेल्स फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि काफ़ी सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने प्रीवियस एड्रेस किया था, कि क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं ड्रोन को कैरी करने में कहीं पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कंट्रीज़ में ड्रोन जो हैं वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, वैसे ही कुछ लोकेशंस भी होती हैं जहाँ पर आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट कोई, वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना ईज़िली संभव नहीं है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा या तो, और नहीं तो वो नो फ्लाइंग जोन होता है। इसके अलावा काफ़ी तरह के एक्सक्लूजन जोन्स होते हैं, जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो भी एरिया है उनका एक अपना एक्सक्लूजन जोन होता है, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कहीं कहीं 12 किलोमीटर का भी एक्सक्लूजन जोन होता है। एयरपोर्ट के आसपास का जो एरिया होता है रेडियस वाला, उसमें आप फ्लाई नहीं कर सकते हो। रनवे से अलाइंड जो लोकेशंस होती हैं उसमें आप ड्रोन बिल्कुल फ्लाई नहीं कर सकते हो, पनिसेबल ऑफेंस माना जाता है उसको इनफैक्ट, और ये हर जगह कॉमन है। आप जब अपनी ड्रोन को फ्लाई कर रहे होगे, एंड मोस्ट लाइकली अगर आप DJI के ड्रोन्स को यूज़ कर रहे हो, तो आप नोटिस करोगे कि उनके मैप में ये बहुत ही क्लियरली मेंशन रहता है कि आप कौन से जोन में फ्लाई कर रहे हो ड्रोन। उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर देती है ड्रोन के ऊपर, उसके फ्लाइंग के ऊपर। तो वो चीज़ आप गो थ्रू कर सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर कंट्री अगर जा रहे हो तो वहाँ पे आपको वहाँ के रेगुलेशन गाइडलाइंस के हिसाब से ध्यान रखना होगा कि किस जगह पर आप ड्रोन फ्लाई कर सकते हो, किस जगह पर नहीं फ्लाई कर सकते हो। कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस ऐसी भी होती हैं जहाँ पे ड्रोन फ्लाई करने से पहले आपको वहाँ पे लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है।
कुछ जगहों पे ऐसी होती हैं जहाँ पे किसी मॉन्यूमेंट या किसी लोकेशन पे आप फ्लाई करने वाले हो, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप फ्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि मैं यहाँ पे फ्लाई करना चाहता हूँ, क्या मैं फ़्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे हो एंड उन लोकेशन की लोकल अथॉरिटीज़ की रेगुलेशंस क्या हैं एंड आपको उसको रिस्पेक्ट करना होगा। तो मैं ऐसे पिन पॉइंट करके बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि इस जगह पे ये रेगुलेशन फॉलो होता है या उस जगह पे वो रेगुलेशन फॉलो होता है। पूरे वर्ल्ड में कुछ 195-198 कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में हर कंट्री का अपना रेगुलेशन होता है, हर कंट्री के कुछ स्पेसिफिक लोकेशन का अपना रेगुलेशन होता है। तो मेरे लिए पिन पॉइंट करके ये बता पाना कि यहाँ पे ये प्रोटोकॉल्स फॉलो होती हैं या की जाती हैं तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा, इसलिए मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि वहाँ के लोकल गाइडलाइंस क्या हैं। मैं आपको एग्जांपल पे एक दो जगह बता सकता हूँ, जैसे कि मैं लंकावी में एक बार जब फ्लाई कर रहा था तो वहाँ पे एयरपोर्ट से काफ़ी नज़दीक का वो एरिया था, तो मुझे फ़्लाई करने के टाइम पर वार्निंग आ रही थी और मैंने फ़्लाई करना फिर बंद कर दिया बिकॉज़ अलाउड नहीं होता है। वैसे ही लंकावी में एक और पॉइंट है जहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है, वो है उनका जो स्काई ब्रिज है उसके आसपास का एरिया, वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है। श्रीलंका में एक पॉइंट है एला में 9 आर्चेस ब्रिज, बहुत ही फेमस पॉइंट है, बहुत ही ब्यूटीफुल पॉइंट है, वहाँ पे भी वार्निंग मेंशन थी कि ड्रोन आपको फ्लाई नहीं करना है बिकॉज वहाँ पे 20 स्ट्राइक्स होती हैं। तो बट फिर भी मैंने फ्लाई किया था, बट काफ़ी दूर से फ्लाई किया था। तो इस तरह की चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पे लोकल जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, वहाँ पे जो डिटेल्स मेंशन है उसको अच्छे से पढ़ें। इंडिया में भी एक लोकेशन है जो मुझे याद आ रहा है, गोवा में एक कोई तो चर्च था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस था, आई थिंक सेंट्रल गोवा में ही, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है, बट वहाँ पे जब मैंने फ़्लाई करने से पहले डिटेल्स चेक की, वहाँ पे अथॉरिटीज़ ने काफ़ी क्लियरली मेंशन करके रखा था कि क्या क्या सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं फोटोग्राफी से रिलेटेड, वीडियोग्राफी से रिलेटेड। तो वो सारी चीज़ों को जब मैं गो थ्रू कर रहा था तो मैंने नोटिस किया कि वहाँ पे मेंशन है कि ड्रोन फ्लाई करना विदाउट परमिशन अलाउड नहीं है, एंड अगर आपको परमिशन चाहिए तो एक सेट ऑफ कुछ अमाउंट है जो आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं वही आपको फिर से दोहराऊंगा कि जिन जगहों पे आपको लगता है कि फ़्लाई नहीं करना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एरिया है या फिर एयरपोर्ट के आसपास का लोकेशन है जहाँ पे आप रह रहे हो या फ़्लाई करना चाहते हो, बिल्कुल मत कीजिए, बहुत बुरा केस हो जाएगा एंड उसके साथ साथ आपकी ड्रोन तो जाएगी ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ड्रोन को फ्लाई करते वक्त लोकल क्लियरेंसेस ज़रूरी होती हैं? हर जगह पे तो ज़रूरी नहीं होती है, मैंने जो भी फेस किया है काफ़ी सारे जगहों में, शहरों में या फिर शहरों से बाहर भी, आइलैंड पे भी मैंने डायरेक्टली फ़्लाई किया है, मुझे कभी कोई इशू नहीं आया, किसी ने कभी कोई क्वेश्चन किया भी नहीं। बट हाँ, कुछ जगहों पे ज़रूर लोकल अथॉरिटीज़ की क्लियरेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको बताता हूँ मैं एग्ज़ाम्पल में, बाली में एक लोकेशन है उलुवातु टेम्पल, वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड नहीं है एंड अगर आपको फ़्लाई करना है तो वहाँ पे आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर आप खुद से फ़्लाई करोगे तो बुरे फंसने का चांस बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो 7 वंडर्स हैं, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, यूजुअली मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना है कि वहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना अलाउड होता है। जितने जगहों पे मैंने ट्रैवल किया है मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि वहाँ पे लोगों ने ड्रोन फ्लाई किया है। इवन जो फुटेजेस यूज़ भी की जाती है ना, वो स्टॉक फुटेज होती हैं, स्टॉक फुटेज के लिए लोग काफ़ी अमाउंट पे करते हैं, परमिशन लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको स्टॉक फुटेज यूज़ करनी है तो आप स्टॉक फुटेज काफ़ी सारे वेबसाइट से परचेज करके यूज़ कर सकते हो, बट खुद से उन सारी जगहों पे ड्रोन ना फ्लाई करें मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, बिकॉज़ काफ़ी सारे केसेस मैंने सुना है
बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स का भी सुना है कि उनके ड्रोन को ले लिया जाता है, उनको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, केस हो जाता है कुछ केसेस में, तो कुछ केसेस में वार्निंग देके छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। प्लस दूसरे देश में अगर आप ये काम कर रहे हो ना, तो कभी कभी लैंग्वेज भी एक बैरियर हो जाता है। आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे, उनको समझ में नहीं आएगा, मोबाइल वो बार बार आपको चलाने नहीं देंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है सिनेरियो। जो भी लोकल गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज प्रोटोकॉल सबके लिए एक ही होती हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ के सिटीज़न के लिए अलग है और आपके लिए अलग है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती करके या हल्ला हंगामा करने से वहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उन सारे लोकेशंस पर फ्लाई ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। एक क्वेश्चन है, मेंशन सम कंट्रीज़ वेयर फ्लाइंग ड्रोन्स आर कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड। देखिए, इसका आंसर अगेन टाइम टू टाइम वेरी कर सकता है, बिकॉज़ गाइडलाइंस जो हैं वो वहाँ की जो सिविल एविएशन है मोस्टली वो चेंज करती हैं, एंड चेंज अगर नहीं भी करती हैं तो रिविजन्स होते हैं उसमें, तो आपको ध्यान तो रखना पड़ेगा। बट करंट गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ड्रोन फ्लाई करना, जहाँ तक मुझे पता है, अलाउड नहीं है, जिसमें आई गेस सऊदी अरेबिया में आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो, लेबनन में आई गेस आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो, मोरक्को में आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो, ईरान में भी आई गेस आप ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकते हो। कुछ जगहों पे आपको ड्रोन फ्लाई करना जो है उनमें रजिस्ट्रेशन वहाँ पे पहुँचने से पहले करनी पड़ती हैं। कुछ जगहों पे जो नैनो ड्रोन की कैटेगरी होती है उसका जो वेट होता है वो कम होता है, जैसे जापान में नैनो कैटेगरी के जो ड्रोन्स होते हैं, अगर आप DJI के मिनी वर्जन्स के ड्रोन को यूज़ करते हो, एंड मिनी वर्जन्स के जो ड्रोन होते हैं वो यूजुअली 249 ग्राम्स के होते हैं, बट जापान में नैनो कैटेगरी के जो ड्रोन्स होते हैं वो 198 ग्राम्स के ही होते हैं, उससे ऊपर के ड्रोन्स को वो नॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। तो अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टू आंसर क्वेश्चन है कि हर कंट्री का क्या रूल एंड रेगुलेशन है, वो केटर करता हुआ एक कोई जेनरिक रिस्पांस में दे सकूँ, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज गाइडलाइंस काफ़ी वेरी करती हैं वेट को लेकर, फ्लाइंग रीजन को लेकर, लोकेशंस को लेकर, उनके हाइट को लेकर, डिस्टेंस को लेकर, बहुत सारी सेट ऑफ रूल्स हैं जो फॉलो करनी पड़ती हैं, उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। अब आप जब कभी भी किसी पर्टिकुलर कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर पहुँचने से पहले या ड्रोन कैरी करने से पहले एक बार चेक कर लें कि वहाँ का लोकल गाइडलाइंस क्या है। नेक्स्ट है कि आप किस तरीके से ड्रोन कैरी करते हो। मैं जब कभी भी ड्रोन अपना कैरी करता हूँ तो मेरा ड्रोन चेक इन लगेज में मोस्टली जाता है, इंडिया में तो 100% श्योर जाता है। इंडिया से बाहर अगर मैं लो कॉस्ट कैरियर के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो ड्रोन मेरे साथ ही जाता है केबिन में। तो ये तो हो गई ड्रोन मैं कैसे लेके जाता हूँ। उसकी जो RC और बैटरी है, बैटरीज़ को मैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में रखता हूँ। मैंने बॉक्स में ऐसे पार्टीशन बना के रखा हुआ है कि जो मेरी एक्स्ट्रा बैटरीज़ हैं या जो मैं रेगुलर प्राइमरी जो बैटरीज़ हैं उनको मैं अलग अलग कंपार्टमेंट में रखता हूँ, एंड जो उनका पिन पॉइंट है उस पॉइंट पे मैं टेप लगाकर सील कर देता हूँ, बिकॉज वही सही तरीका होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, ट्रैवल करते टाइम मैं ये काम करना भूल भी जाता हूँ, ऐसा होता है मेरे साथ, बट यूजुअली मैं कोशिश करता हूँ कि ड्रोन कैरी करते वक्त मैं प्रॉपरली बैटरी के जो पिन्स हैं उनको सील करके रखूँ। तो ये सारी कुछ क्वेश्चंस और क्वेरीज थी जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ड्रोन से रिलेटेड, ड्रोन आप कैरी कैसे करते हो एंड ड्रोन को आप यूज़ कैसे करोगे उससे रिलेटेड। अगर आपकी कोई क्वेश्चन है एंड वो स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लोकेशन या कंट्री नहीं है तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिकॉज़ अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री या फिर लोकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आप मेरे से पूछोगे तो मे भी हो सकता है कि मेरे लिए वो आंसर करना डिफ़िकल्ट हो, बिकॉज मेरे पास जेनरिक आंसर्स होंगे। जिन जगहों पर मैंने ट्रैवल किया है मैं वहाँ से रिलेटेड आंसर्स आपको ज़रूर बता सकता हूँ,
बट अगेन ये इतना वॉलेटाइल क्वेश्चन है, रूल्स आर समथिंग जो कि चेंज होते रहते हैं. तो अगर मैं आज आपको एक आंसर दूँ, आप वहाँ पहुँचो, आपने ड्रोन यूज़ किया एंड आप किसी सिचुएशन में फंस जाओ, तो फिर आपको ये लगेगा कि मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन या किसी पर्टिकुलर कंट्री से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या क्वेश्चन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ के लोकल गाइडलाइंस के हिसाब से उस चीज़ को देखें और फॉलो करें उसको. बट अगर आपके पास कोई जेनरिक क्वेश्चन है ड्रोन से रिलेटेड, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा. मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी. अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है या फिर मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बिकॉज़ ये फ्री है आपके लिए एंड मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है इससे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अभी मेरी श्रीलंका की सीरीज़ चल रही है. अगर आपको श्रीलंका की ट्रेलर वीडियो देखनी है जो मैंने अभी रिसेंटली रिलीज़ की है, तो आप आई बटन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर वो वीडियोस देख सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के किसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, ट्रैवल से रिलेटेड. बाय एंड हैव अ नाइस डे.